Lords Institute of Engineering and Technology, Hyderabad ka wahid Muslim minority autonomous engineering institute affiliated to Usmania University, behtareen placements ke saath. PFI के बाद अब मुल्क में RSS पर पाबंदी लगाने की मांग बढ़ती जा रही है। यूपी की फॉर्मर CM मायावती ने भी अब संघ को बैन करने की वकालत की है। जिमन में ट्वीट करते हुए मायावती ने लिखा कि मरकज की जानिब से PFI पर मुल्क भर में कई तरह से टारगेट करके आखिरकार अब असेंबली इंतखाबात से पहले इस पर उसके 8 मौविन जमातों के साथ पाबंदी लगा दी गई। इससे सियासी मफाद व संघ के पोलराइजेशन की पॉलिसी मानकर यहाँ लोगों में इत्मीनान कम और बेचैनी ज़्यादा है। मायावती ने इसी सिलसिले के दूसरे ट्वीट में लिखा कि यही वजह है कि अपोजिशन पार्टियां हुकूमत की नीयत में खोट मानकर इस मुद्दे पर भी मुश्तैल व हमलावर हैं और RSS पर भी बैन लगाने की मांग खुलेआम हो रही है कि अगर PFI मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी के लिए खतरा है तो इस जैसी दिगर तंजीमों पर भी बैन क्यों नहीं लगना चाहिए। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर तनकीद करते हुए मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखला नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस एक दिन की खबर के लिए मुहिम चलाती है। नेपाल कांग्रेस के बाद अब प्रिय दर्शनी अभियान कांग्रेस चलाएंगे, इसमें 17 से 20 साल की लड़कियों को जोड़ेंगे। आज से शुरुआत होगी, कॉलेजी छात्राएं रहेंगी। कांग्रेस के संग दिक्कत क्या है कि वो एक दिन के समाचार के लिए वो ये सब करते हैं। पहले बाल कांग्रेस का उन्होंने गठन किया था और बाल कांग्रेस के बारे में उन्होंने बताया था कि अब ये अभियान चलाए जाएंगे और कार्यक्रम किए जाएंगे। न बाल कांग्रेस कहीं दिख रही, न उससे सदस्य दिख रहे। ये दिसंबर 2021 की बात है। उसके बाद जून में कहा था कि आपका कमलनाथ आपके साथ अभियान चलाएंगे, वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। फिर घर घर चलो अभियान जनवरी में इनने कहा था। फिर जन संसद संवाद यात्रा निकाली थी, फिर तिरंगा सम्मान यात्रा अगस्त में निकाली थी, नवंबर में जन जागरण अभियान इनने चलाया था। एक हाथ कहीं दिखा क्या, वही हाल प्रियदर्शनी जी का होने वाला। Lords Institute of Engineering and Technology, Hyderabad ka wahid Muslim minority autonomous engineering institute affiliated to Usmania University, behtareen placements ke saath. BBN channel ke viewers ke liye ek ahem ittila. अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तियाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है, हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुँचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।